शासन के आदेश, जो कि कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है, और मौखिक आदेश के आधार पर हमें सचिवालय प्रशासन विभाग ने NIC के माध्यम से रखा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ई ऑफिस प्रोजेक्ट में, जो कि भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए बनाया गया था और बहुत अच्छा सुचारू ढंग से चल भी रहा है और आगे भी ये चल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 95 मैन पावर को ई ऑफिस प्रोजेक्ट में रखा गया था, जिसमें से बिना किसी आदेश के हम सभी लोग को पहले बोला गया कि हम लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं और बजट की कमी बता करके हम लोग को हटाया गया है। लेकिन सूचना मिली है कि, और हम लोगों ने देखा भी है कि यहाँ पे सचिवालय प्रशासन के अंदर अभी भी लोग लगभग 20 से 25 की संख्या है जो कि गुपचुप तरीके से इन लोगों ने ज्वाइनिंग कराई है और हमें मतलब मिलने नहीं दिया जा रहा किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से। कब निकाला गया आप लोग को और किस पद पर थे आप लोग? हम लोग सभी लोग रोल आउट सपोर्ट इंजीनियर के पद पे थे और हमें 1 अप्रैल को ये सूचना दी गई कि आपसे 31 मार्च तक का हम लोग का वर्क ऑर्डर था और 1 तारीख को हमें बुलाया भी गया, लेकिन हमें कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया और ये बोल दिया कल सभी हम लोग के पास जमा कर लिए गए और ये बोला गया कि आप लोग कल से नहीं आएंगे क्योंकि 31 मार्च तक ही आपका बजट था और हमारे पास फंड की कमी की वजह से आप लोग को हटाया जा रहा है। कोई नोटिस इससे पहले आप लोग को दी? कोई नोटिस नहीं दी गई। हमारा दिसंबर 22 दिसंबर तक का वेतन का भुगतान किया गया है, उसके बाद का ना तो कोई भुगतान किया गया है और हमारा लगभग 50,000 लगभग का। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हम लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग पूरे की पूरी मैन पावर को एक साथ कंटिन्यू किया जाए। इसका कोई लिखित आदेश?